नमस्कार, आपके साथ लवकुश कुमार यादव। डीएस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम कुर्मी नेता आरसी पटेल के कोठी पे उपस्थित हैं, जो आपको दिखाएंगे कि कुर्मी नेता आरसी पटेल जो भगवा रंग में बिल्कुल रंग चुके हैं, और चारों तरफ दिखाएंगे कि झंडे ही झंडे हैं। लेकिन आने वाले 22 के चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहेगी, और एमएलसी के उम्मीदवार हैं आखिर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या एमएलसी की टिकट उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बात तो उन्हीं से जानेंगे। और वो बाराबंकी का कुछ हाल बताना चाहते हैं, वो भी हम उनसे जानेंगे कि बाराबंकी का क्या हाल बताते हैं। आरसी पटेल जी, बताइए क्या बताना चाहते हैं आज बाराबंकी के लिए। आप इस वक्त लक्ष्मणपुरी कॉलोनी वार्ड नंबर 6 में खड़े हैं, चौथी मंजिल पर आप खड़े हैं। यहाँ से पूरा नगर पालिका आपको दिखाई पड़ रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं जो महिला हॉस्पिटल है, जिसकी बहुत ऊंची इमारत आपके सामने दिख रही होगी, उसके जस्ट बगल वो जो पानी टंकी दिखाई दे रही है, वो पानी टंकी नगर पालिका की पानी टंकी है। और इसी कोठी के जस्ट बगल में इधर जरा गौर करिए, वो जो है छोट जो इमारत का गुम्बज दिखाई पड़ रहा है, वो घंटा घर का गुम्बज दिखाई पड़ रहा है। फिर थोड़ा इधर बढ़ाइए, ये गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान इस टावर के पास में, और इस टावर से थोड़ा और आगे बढ़िए तो ये डीएम ऑफिस और तहसील कॉलोनी का जो है टंकी दिखाई पड़ रही है, जो जहाँ पर काशीराम कॉलोनी बनी हुई है। काशीराम कॉलोनी के बगल में फिर आइए, जो ऊंचा सा टावर आपको दिख रहा है, ये आपका दूर संचार की जो है टावर लगा हुआ, दूर संचार का कार्यालय है। फिर वो एक बिल्डिंग आपको दिख रही है, जो बिल्डिंग आपकी विकास भवन को दर्शाती है। विकास भवन से आगे फिर एक पीली बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, वो होमगार्ड ऑफिस है। फिर उसी से थोड़ा और आगे चले आइए, ये आपका जो है राम सेवक स्कूल जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसी राम सेवक के पार्लर आपके पीछे जस्ट पीछे दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपके पायनियर स्कूल है। इस पायनियर स्कूल से थोड़ा और आगे आइए, ये आपके बड़ेल चौराहे पर मस्जिद जो बनी है, ये मस्जिद है। ये राम सेवक स्कूल जो मैंने दिखाया है, ये इसी लक्ष्मणपुरी कॉलोनी वार्ड में आता है। ये जो मैंने मस्जिद की मीनार दिखाई है, ये भी बड़ेल चौराहे पर है, जो कि लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में आता है। ये हमारे एमबी कॉलेज है, जो मेरे घर के जस्ट निकट है। ये एमबी कॉलेज का फील्ड है और ये एमबी कॉलेज है। एमबी कॉलेज जो है हमारे घर के बिल्कुल पास में, एमबी कॉलेज के जस्ट सामने हैदरगढ़ रोड हुआ करता है। ये इधर बाएं थोड़ा मोड़ेंगे तो ये लक्ष्मणपुरी कॉलोनी हुआ करता है। इसी तरीके से ये पूरा जो है हमारा वार्ड लक्ष्मणपुरी कॉलोनी वार्ड है। इससे सटा हुआ वार्ड दशहरा बाग वार्ड है, इसी से सटा हुआ वार्ड जलालपुर वार्ड है, इसी सटा हुआ वार्ड लकपेड़ा बाग वार्ड है, इसी सटा हुआ वार्ड जो कि लकपेड़ा बाग वार्ड बड़ेल वार्ड है। इसी तरीके के 8 नए वार्ड जो हमारे वार्ड से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने हम आरसी पटेल कुर्मी नेता से जानने की कोशिश करेंगे, जो एमएलसी के उम्मीदवार हैं, कि अगर कुर्मी समाज को टिकट नहीं मिली तो आने वाले 22 के चुनाव में इनकी क्या रणनीति रहेगी। आरसी पटेल जी, बताइए अगर एमएलसी की टिकट आपको नहीं मिली तो आप भारतीय जनता पार्टी पर कैसा निशाना साधेंगे। देखो, ये बाराबंकी जिला है, बाराबंकी जिले से ही समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे बेनी प्रसाद वर्मा डीएफटी सीएम के रैंक के नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक एमएलए का टिकट फतेहपुर कुर्सी विधानसभा से दिया है, जो कि बहुत ही कम है। बाराबंकी जनपद का कुर्मी एक एक कुर्मी नेता हुआ करता है, इसकी चर्चा बाराबंकी जनपद की चर्चा आसपास के जनपदों में हुआ करती है। बाराबंकी जनपद में अगर एमएलसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कुर्मी बिरादरी बहुतायत खड़ा रहेगा। नहीं तो 5 साल में कुछ कुर्मी तिल मिलाया हुआ है, जो भागने की तलाश में है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस और सापा और बसपा जैसे ही रणनीति तय की है, जो कि कुर्मी हितैषी नहीं है, ऐसा कहने लगा है कुर्मी। मैं कुर्मी को समझाते परेशान हूँ, और कुर्मी समाज कहता है कि अगर किसी कुर्मी बिरादरी को टिकट नहीं दिया गया तो हम लोग 2022 के चुनाव में भाग खड़े होंगे। जो पार्टी हमें सम्मान देने का काम करेगी उसका झंडा उठाएंगे और 2022 में उसको चुनाव जीता। जैसे कि हमारे आरसी पटेल कुर्मी नेता ने बताया कि आने वाले 22 के चुनाव में अगर यदि कुर्मी समाज को टिकट नहीं मिले
तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देंगे आने वाले 22 कार। आपके साथ लवकुश कुमार यादव, आपको मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बने रहे हमारे DS न्यूज चैनल के साथ।